हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संगीत शिक्षा इन हिंदी में। मैं शिवम कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं और आप सबको नव वर्ष की हार्दिक बधाई देता हूं। चैनल की तरफ से, मेरी तरफ से, आप सभी के परिवार को और सारे देशवासियों को मेरी तरफ से नव वर्ष की हार्दिक बधाइयां। तो आज आप टॉपिक देख के समझ ही गए होंगे, स्वर। आज हम स्वर के बारे में आपसे वार्तालाप करेंगे इस वीडियो में, इस विषय पर बात करेंगे। सबसे पहले स्वर क्या है हम ये जानेंगे। आज हम शुरू से ही शुरुआत कर रहे हैं हर अपने वीडियो की और नए टेक्निक के साथ, नए पैटर्न के साथ जो अभी तक किसी ने यूज़ नहीं किया है। हम आपको एक एक चीज़ थ्योरेटिकल भी और प्रैक्टिकल भी दोनों चीज़ देंगे, क्योंकि म्यूज़िक फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से म्यूज़िक थ्योरेटिकल भी है और प्रैक्टिकल भी है। हालांकि प्रैक्टिकल ज़्यादा है पर थ्योरेटिकल भी इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम बात करेंगे स्वर की, ज़्यादा समय ना लेते हुए। स्वर यानी कि म्यूजिकल नोट्स जैसे हम बोलते हैं। आप सभी जानते हैं बेसिकली स्वर सात प्रकार के हैं, सा रे गा मा प द नी, सात हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इनके नामों का। सबसे पहले सा रे गा मा प ध और नी, क्लियर। तो सबसे पहले हम इनके नामों के बारे में बात करेंगे कि सा का नाम क्या है, रे का नाम क्या है, मा का क्या है, पा का क्या है, धा का क्या है। बात करेंगे नी का इनके क्या? नामों की, इनके प्रकार की और इनके प्रयोग की। ये तीन चीज़ें हैं स्वर के बारे में। और आगे आगे जैसे जैसे मैं आपको नॉलेज बताता जाऊँगा, आपको सब कुछ उसके बारे में पता चलता जाएगा धीरे धीरे कि स्वर क्या है, उससे पहले क्या था। सबसे पहले आज हम सिर्फ स्वर की बात करेंगे और उसी पर फोकस करेंगे। सा, सा का नाम है षड्ज। आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, इसीलिए मैं आपको, कुछ व्यूअर्स ने कमेंट किया है कि आप सर राइटिंग में थोड़ा दीजिए। तो सबसे पहले सा का नाम है षड्ज, मैं आपको प्रॉपर लेसन दे रहा हूँ। रे का नाम है ऋषभ, गा का नाम है गंधार, मा का नाम है मध्यम, पा का नाम है पंचम, धा का नाम है धैवत, नी का नाम है निषाद। ये तो है हमारे हिंदुस्तानी संगीत पद्धति के अनुसार सात स्वरों के नाम। सिर्फ ये हैं नाम, ये हैं इनके नाम। अब चलते हैं, ये इनका नाम है, ये क्लियर हो गए। सा से षड्ज है, रे से ऋषभ है, गा से गंधार है, मा से मध्यम है, पा से पंचम है, धा से धैवत है और नी से निषाद है। उसके बाद एक टॉपिक और है, उसके प्रकार। स्वर मेनली या फैक्ट जो है, रियलिटी है, वो ये है कि स्वर दो प्रकार के हैं मेनली, शुद्ध स्वर और विकृत स्वर, यानी डिफरेंट नोट्स, शुद्ध नेचुरल नोट्स। शुद्ध स्वर हमारे यही हैं, नो डाउट, ये सात स्वर हमारे शुद्ध हैं और इन्हीं के रूपांतर हैं जो विकृत स्वर हैं, जो उनके जो डिफरेंस एंड शेड किए गए हैं, इन दोनों को जो अलग अलग डिवाइड किए गए हैं, ये है उनके विकृत स्वर के रूप में है। शुद्ध ये हैं जिन्हें हम कहते हैं शुद्ध स्वर, इन्हें शुद्ध स्वर भी कहते हैं। थोड़ा सा बोर्ड छोटा है तो मैं आपको इसी में समझा देता हूँ, हालांकि आपको समझ में आएगा। इन्हें शुद्ध स्वर भी कहते हैं। और इसके बाद आते हैं विकृत स्वर। आप इस वीडियो को जब बार बार देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा थ्योरेटिकल भी। इसको कहते हैं विकृत स्वर। अब इनको कहते हैं शुद्ध स्वर। अब विकृत स्वर, रे कोमल, कोमल के लिए हम नीचे अंडरस्कोर करते हैं, यानी नीचे लाइन करते हैं कोमल के लिए, कोमल के लिए। ये भी मैं आपको लिख के बता देता हूँ, कोमल के लिए हम स्वरों के नीचे लाइन लगाते हैं। धीरे धीरे मैं आपको नोटेशन भी बता जाऊँगा कि नोटेशन किस किस, कहाँ कहाँ, क्या क्या प्रयोग होगा। सबसे पहले अभी स्वर की बात चली तो स्वर की बात करेंगे। तो ये स्वरों पे जो हम चिन्ह लगाते हैं, यानी ये नोटिफिकेशन करते हैं, तो रे कोमल विकृत स्वर में कोमल के लिए हम नीचे उसके अंडरस्कोर करते हैं, लाइन करते हैं। फिर गा भी कोमल है, माँ जो है वो तीव्र स्वर है, तीव्र के लिए हम ऊपर एक टेढ़ी सी लाइन करते हैं, ऊपर स्वर के ऊपर। सिर्फ माँ ऐसा है जो तीव्र है, माँ को हम बोलते हैं तीव्र मध्यम,
और शुद्ध मा तो है ही तीव्र, सॉरी तीव्र। अब पा नहीं है, सा और पा इसकी मैं आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले आप हम कहते हैं रे गा मा आया, फिर धा कोमल है, धा कोमल है और नी कोमल है। अब देखिए कितने स्वर बने, सात ये हैं और ये कितने, एक दो तीन चार पाँच, यानी सात और पाँच कितने हो गए, 12। टोटल स्वर कितने हुए, 12। प्रकार कितने हुए, दो। टोटल स्वर हुए 12, सात शुद्ध स्वर और पांच विकृत स्वर। बता रहे थे कि इन पांच स्वरों को और सॉरी इन सात स्वरों को और इन पांच विकृत स्वरों को मिलाकर टोटल 12 नोट्स बनते हैं, जो हमारे हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में भी हैं और पाश्चात्य संगीत पद्धति में भी हैं। अब ये 12 स्वर जो हैं वो एक सप्तक में आते हैं, पूरे एक सप्तक में 12 स्वर होते हैं जिनमें शुद्ध और विकृत मिलाकर होते हैं। दूसरा पॉइंट, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सा और पा क्यों नहीं है। सा और पा जो हैं वो हमारे अचल स्वर हैं। सा और पा उन्हें अचल स्वर कहते हैं। कोई आपसे पूछे कि सा और पा क्या है तो आप कहेंगे अचल स्वर हैं, इनका कोई रूपांतर नहीं है। देयर इज नो पार्ट ऑफ सा एंड पा, सा और पा का कोई पार्ट नहीं है, इसीलिए अचल स्वर हैं और ये सब चल स्वर हैं क्योंकि अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं या अपने एक दूसरा पार्ट दिखा रहे हैं कि रे शुद्ध भी है और रे कोमल भी, इसलिए चल स्वर हैं। चल से आप समझ रहे होंगे चलना, जो ऊपर नीचे हो रहे हैं। सा पा अपनी ही जगह पर स्थित हैं, सा और पा। और माँ को याद रखिएगा, माँ तीव्र स्वर है, तीव्र मध्यम है। और कोमल के लिए हम नीचे लाइन लगाते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया, और माँ के लिए खड़ी लाइन लगाते हैं। अब ये तो बात हो गई नाम प्रकार, अब इनका प्रयोग। तो प्रयोग जो है मैं बताना चाहूँगा, स्वरों का प्रयोग ऑब्वियसली गाने के लिए, सीखने के लिए, पर सबसे पहला प्रयोग स्वरों से सप्तक का निर्माण हुआ। अब स्वरों का निर्माण कैसे हुआ, ये मैं जो आपको आपसे मैंने स्टार्टिंग में बात छेड़ी थी वो अब मैं यहाँ जाते जाते पूरी करता हूँ। स्वरों से पहले सबसे पहले होता है ध्वनि, साउंड। और इसकी परिभाषा है, परिभाषिक रूप में अगर हम बोलें, हिंदी बोलें कि जो कुछ भी हम सुनते हैं वो ध्वनि है। एनीथिंग विच वी आर इनेबल्स टू हियर, दैट इज कॉल्ड साउंड। साउंड के बाद जब आता है तब आता है आंदोलन, यानी वाइब्रेशन। ये आपको शास्त्रीय किताबों में भी मिलेगा, जो मैं आपको थ्योरेटिकल बता रहा हूँ और हर कोई बताएगा नहीं आपको यूट्यूब चैनल, दैट इज माई चैलेंज। ये चीज़ मैं जो आपको शेयर कर रहा हूँ, आप इसको देखें, शेयर करें, अत्यधिक जो हमारे हिंदुस्तानी संगीत की वैल्यू है उसको शेयर करें, हमारे हिंदुस्तानी संगीत को घर घर पहुँचाएं। जो हमारे पूर्वज, गुरुजन, उस्ताद खां साहब जो सिखा के गए हैं, जो लोग सीख के गए हैं, जो उन्होंने पूरी नेमत से मेहनत की है, उसको लोग जाने। ये मैं पूरा आपको थ्योरेटिकल बुकिश लैंग्वेज बता रहा हूँ और आपका प्रैक्टिकल भी इम्प्रूव होगा। अब मैं बात करता हूँ ध्वनि, मैंने बता दिया जो भी चीज़ हम सुनते हैं वो ध्वनि है। उसके बाद आंदोलन आता है, आंदोलन वाइब्रेशन होता है। साउंड जब भी प्रोड्यूस होती है वाइब्रेशन से ही होती है, आंदोलन से ही प्रोड्यूस होती है साउंड। अब उसके बाद आता है स्वर। स्वर क्या है, स्वर एक संगीत में बोले श्रुति, जैसे मतलब कि एक तरह से कह लें कि जो कानों को अच्छी लगे, जो कानों को अच्छी लगे और जो सुनने में कर्ण प्रिय हो, रंजकता प्रदान हो, सौंदर्य भरा हो, उसको संगीत में लिया गया है। संगीत रूपी नाद को स्वर बोलते हैं, हम ये कह सकते हैं स्वर की परिभाषा। या 22 श्रुतियों में सुनने वाला है उसे स्वर बोलते हैं, या संगीत रूपी नाद को हम स्वर बोलते हैं। अब ये तो होगी स्वर की परिभाषा, ये मैंने आपको बता दिया। स्वर का प्रयोग अब जब बताने जा रहा हूँ, स्वर से फिर सप्तक का निर्माण होता है, सप्तक के बाद थाट का निर्माण होता है। अब थाट से पहले सप्तक की बात छिड़िए तो मैं सप्तक आपका थोड़ा सा बता देता हूँ। सप्तक तीन प्रकार के हैं, मंद्र, मध्य, तार। ये मैंने आपको सिर्फ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दिया है सप्तक का, अगला वीडियो मेरा सप्तक के ऊपर होगा, आपका बोर्ड पे ही होगा, क्लियर उसके चिन्ह बताऊंगा मैं सप्तक के। और सभी सप्तक में, तीनों सप्तक में 12 स्वर होते हैं, तीनों सप्तक में गाया बजाया जाता है। उसके बाद सप्तक के बाद आता है थाट, उसके बाद मेरा एक और वीडियो होगा थाट पर। अब थाट दो लेवल में डिवाइड हुए हमारे, उत्तर भारत संगीत पद्धति में और दक्षिण भारत संगीति में, उसको भी मैं आपको बताऊंगा पर थाट की वीडियो में। ये अभी स्वर का वीडियो है तो इसलिए मैं स्वर का बता रहा हूँ। उसके बाद थाट से राग, राग के बारे में बताऊंगा। तो राग, राग तो सभी सुना है आपने, तो राग का क्या प्रयोग है, राग किस लिए गाई जाती है, क्यों है, कैसे है, ये भी सब बताऊंगा अगले वीडियो में। तो आज आपको मैंने स्वर के बारे में बताया, एक बार मैं आपको रिपीट दोबारा कर देता हूँ, सॉरी। स्वर के नाम सभी जानते हैं, सारे गामा पाधा नी,
षड्ज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, धैवत, निषाद, दीज आर कॉल्ड शुद्ध स्वर, नेचुरल नोट्स। ये शुद्ध स्वर है हमारे सारे। उसके बाद इनका प्रकार जो है शुद्ध भी है और विकृत भी है। विकृत स्वरों में रे, गा, मा, धा, नी आते हैं। सिर्फ मा का तीव्र होता है जिसमें हम ऊपर की तरफ टेढ़ी रेखा करते हैं, लाइन करते हैं, और रे, गा कोमल स्वरों में नीचे लाइन करते हैं स्वरों के, नोटेशन के लिए, बताने के लिए। अब उसके बाद एक और पार्ट आता है, एक और प्रकार है इसमें, चल और अचल स्वर का। अचल स्वर हमारे सा और पा है, ओनली सा एंड पा और अचल स्वर, एंड बाकी जो चल स्वर हैं ये विकृत स्वर हमारे ये सारे चल हैं, यानी कि रेगा मा धा, रेगा मा पा, ओ सॉरी रेगा मा धानी। तो दीज आर चल स्वर। तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट एंड शेयर इट, लाइक इट, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल प्लीज़, और देखें, समझें और जितना ज़्यादा शेयर कर सकें। मेरा दावा है कि आपको ये चीज़ अभी तक किसी ने नहीं बताई होगी, जो भी बताई होगी फुल डिस्क्रिप्शन के साथ नहीं बताई होगी, और आपको क्लियर होगा। एक बार आप वीडियो देखेंगे आपको क्लियर हो जाएगा, आप उसके नोट भी कर सकते हैं, जितना देखें देखें। थैंक यू, आई होप लाइक इट, आई होप यू विल लाइक इट, एंड हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन। थैंक यू।